हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग हिंदी में कला एवं संस्कृति के नाम से भी जानते होंगे। ये क्लासेस आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग पीटी और मेंस दोनों के लिए कवर करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए 6 से 7 क्वेश्चन आज आपको घर से लिखने के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन की यहाँ पर आंसर राइटिंग भी आप लोगों के लिए कराई जाएगी। आप लोगों के लिए प्रॉपर नोट्स भी बन बन जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ ए टू जेड आप लोगों के लिए दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम क्लास नंबर 6। और जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, उन लोगों को परेशान नहीं होना है। आपको 12 से 13 पेज है वो स्किप करके फिर आपको लिखना स्टार्ट करना है, और आपको अपने हाथ से ही स्वयं सारे नोट्स बनवाए जाते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्थापत्य कला के बारे में, जिसको आप लोग वास्तुकला के नाम से भी जानते होंगे। इसमें हम लोग कवर कर रहे थे स्तूपों के बारे में। ओके, तो हम लोग देखेंगे स्तूप। तो हमने प्रीवियस पार्ट में स्तूप के बारे में थोड़ा सा हमने इन्फॉर्मेशन ली थी। आज हम लोग स्तूप को खत्म कर देंगे। कल से हम लोग वास्तुकला या फिर स्थापत्य कला में हम लोग मंदिरों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दे देते हैं। देखिए, हमारे जो 3 बैचेस हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं, जिसमें एक UBPCS, एक BPCS और एक UPSC, जिसको आप लोग IAS के नाम से भी जानते होंगे। ये 3 बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट 27 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के विजिट करिए। वहां पर आपको एक इस तरह से थंबनेल लगा हुआ होगा, उस वीडियो को जाकर के देखना है। वहां पर बताया है कि इस तरह से आपको एक फॉर्म फिल करना है और नीचे कमेंट करना है सिर्फ, और आप लोग आराम से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत कुछ दिया जाएगा। 1 साल तक आपको पूरा का पूरा यहाँ पर कोर्स कवर कराया जाएगा। तो आप लोग जाकर के अधिक जानकारी के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। और आप लोगों को अगर वो वीडियो नहीं मिलती है तो आप लोग किसी भी वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को उस वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो और हम लोगों का यहाँ पर 10,000 का जो टारगेट है उसको आप लोग जल्द से जल्द कवर कर दीजिए। वैसे आप लोग काफी तेजी से सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी फैमिली को बढ़ा रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये 10,000 का टारगेट है, ये भी चुटकियों में पूरा हो जाएगा। और आप लोग इसी तरह से प्यार दिखाते रहिए, और हम आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट है, प्रीमियम कंटेंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ओके, तो देखिए, जिन लोगों ने हमारे सेकंड फाउंडेशन बैच और अचीवर बैच में एडमिशन लिया है, तो वहां पर देखिए बहुत सारी क्लासेस हैं वो कवर हो चुकी हैं, लेकिन कुछ क्लासेस बची हैं वो आपको यहाँ पर 9 PM पर कवर कराई जा रही हैं। तो ये आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस भी सेकंड फाउंडेशन बैच और अचीवर बैच वाले स्टूडेंटों की चल रही है, जो 27 जून को बैच स्टार्ट हुआ है, मतलब हुआ नहीं है, अभी होने वाला है 27 जून से स्टार्ट उनकी ये क्लासेस। नहीं है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्लासेस स्टार्ट कर दी आप लोगों ने और हम लोगों को बताया नहीं। आप लोगों की क्लासेस 27 जून से स्टार्ट होंगी। ये हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारी ऐप पर एडमिशन लिए थे, उन लोगों की कुछ क्लासेस बची हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, हमारी ऐप को जाकर के इंस्टॉल कर लें। तो देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में यहाँ पर स्तूप के बारे में पढ़ा था, तो स्तूप के बारे में हम आपको बताए थे, स्तूप की संरचना कैसी होती है, इसमें किसको हम अंड बोलते हैं, तोरण द्वार क्या होता है, वेदिका क्या होती है, इन सभी संरचनाओं के बारे में हम आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास देखा होगा तो आप लोगों को सब कुछ याद होगा। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसके आगे का और तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो सांची का स्तूप है, भरहूत का स्तूप है और अमरावती का स्तूप है, इसकी हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इमेज दिखाने के साथ में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। अगर आप लोग तेजी से लिखना जानते हैं तो आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, इन क्वेश्चन को बाद में आप लोगों के लिए आराम से बैठ करके इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ओके, अगर आप लोग देखिए पीडीएफ चाहते हैं, जो भी क्लास में हम पढ़ाते हैं इसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, सिर्फ क्लास नंबर 1 की नहीं है। आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं आर्ट एंड कल्चर की, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाएंगे तो वहां पर एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड पीडीएफ, सिंपल क्लिक कीजिए, आप लोग ड्राइव पर हमारे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो वहां से सभी क्लासेस की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा किस तरह से डाउनलोड करना है। ओके, तो पूरा सहयोग किया जाता है आप लोगों का, तो इसे एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, स्तूप स्थापत से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। देखिए, इसको आप लोग 250 शब्दों में लिख सकते हैं। ओके, अगर आप लोग 200 शब्दों में भी अगर आंसर कंप्लीट हो जाता है तो भी परेशान नहीं होना है। दूसरा क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आगे स्तूपों के विकास का निरूपण कीजिए या फिर वर्णन कीजिए, टिप्पणी कीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। ओके, और देखिए अगला क्वेश्चन है, स्तूपों के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। अगर आप लोगों ने हमारी कल वाली क्लास देखी होगी, उसमें हम आपको बताए थे किस तरह से स्तूपों का विकास हुआ, किस किस काल में स्तूपों का ज्यादा विकास हुआ। वहां पर हम अर्थ से लेकर के आगे तक की पूरी जर्नी के बारे में
आप लोगों को पढ़ाई से। ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, ओके। दोनों का मतलब है कि हम स्तूपों के विकास के बारे में हमको बताना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा, स्तूप कला बौद्ध दर्शन। जो स्तूप कला है ना वो बौद्ध दर्शन और लोक विषय एवं जो जो कथाएं होती हैं, मतलब कथनांकों की अभिव्यक्ति है, विवेचना कीजिए। जैसे आप लोग स्तूपों को देखेंगे तो वहां पर बौद्ध दर्शन के बारे में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा लोक विषय की मूर्तियां हैं, अलंकरण है वो किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का वहां का समाज होगा, लोगों की दिनचर्या क्या होगी, तो वो सारी चीजें वहां से पता चलता है। मतलब अभिव्यक्ति के बारे में आप लोग जान सकते हैं, उस समय के बारे में, समाज के बारे में, उन सभी चीजों के बारे में, ओके। तो वो आपको वर्णन करना है, तो आज आप लोग सीख जाएंगे किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा सांची के स्तूपों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये देखिए सांची के स्तूप, ये तो आज ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर लिख लेंगे। भरहूत के स्थापत्य एवं शिल्प की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी आज आप लोग लिख लेंगे बहुत अच्छे से। इसके अलावा अमरावती स्तूप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी है, वो भी आप लोगों को लिखनी है, ये भी आप लोग अभी लिख लेंगे, धैर्य पूर्वक आप लोगों को क्लास देखनी है बहुत अच्छे से। अगर ना लिखना है इस क्लास को देखने के बाद तो कमेंट जरूर कीजिए कि सर हमने आपकी क्लास देखी, फिर उसके बाद भी हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमको इसमें क्या लिखना है, ओके। इसके अलावा देखिए आपको देखने को मिलेगा सांची तथा भरहूत के स्तूपों में तुलना कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सांची की मूर्ति कला भरहूत की मूर्ति कला में अधिक श्रेष्ठ है, विवेचना कीजिए। मतलब इसमें पूछा गया जो सांची की मूर्ति कला है वो भरहूत का जो स्तूप है ना उसकी तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, वो आपको बताना है। तो ये भी आप लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, अभी आप लोग क्लास देखिएगा। तो चलिए हम लोग तुलनात्मक अध्ययन प्रारंभ करते हैं, तभी तो आप लोग तुलना कर पाएंगे, तभी तो स्तूपों के बारे में लिख पाएंगे ना। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर हेडिंग डालना है तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन आप लोगों के लिए लिखना है भाई। देखिए जो कुछ लोग नए मेंबर हमारे से जुड़ रहे होंगे वो लोग सोच रहे होंगे यूट्यूब पर कौन लिखाता है, सर तो प्रॉपर नोट्स बनवाते हैं। तो जैसे आप लोग पेड क्लासेस करते हैं जाकर के किसी भी कोचिंग में, उसी तरह से सेम यहाँ भी पढ़ाया जाता है, ओके। उसी तरह से आपको बैठ करके डेडिकेट हो करके पूरा आपको क्लास करना है, पूरे नोट्स बनाने हैं, सब कुछ आपको A to Z उसी तरह से सेम मिलने वाला है यहाँ पर। तो देखिए तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन में हम किस किस का अध्ययन करेंगे। नंबर एक देखिए सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। तो देखिए सांची का जो स्तूप है वो काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, जो मध्य प्रदेश में है सांची की पहाड़ियों पर। वैसे तो वहां पर 3 स्तूप आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्तूप संख्या 1 जिसको महास्तूप के नाम से जानते हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए दूसरा हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है जो भरहूत का देखने को मिलेगा, भरहूत का स्तूप, इसके बारे में हम लोग विवेचना करेंगे। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा अमरावती का स्तूप। चल जल्दी से नोट कर लीजिए, हमारा ये थोड़ा सा हैंग कर गया है, अभी ये अभी चलेगा तब हम नोट करेंगे आगे का, जब तक थोड़ा सा पानी कर लेते हैं, ओके। देखिए आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, और देखिए हमको पता कैसे चलेगा, एक्चुअली एक बोतल का तो पानी खत्म हो गया है, दूसरी बोतल में देखते हैं बचा है कि नहीं बचा है। देखिए अब चल गया। देखिए इसके अलावा तीसरा हम लोग देखेंगे अमरावती का स्तूप, ओके। इन तीनों स्तूपों में तुलना करेंगे। अब तुलना कैसे करेंगे, देखिए रटना मना है, तो कैसे तुलना करेंगे पहले देख लेते हैं भाई। देखो हम जब भी किसी को पहली नजर में देखते हैं तो पहली नजर में पहला प्यार हो जाता है, कैसे हो जाता है भाई, देख करके ही आंखों में उतर जाता है। तो स्तूप को भी आपको एक बार देखना पड़ेगा, जब आपकी आंखों में जब वो भी उतर जाएगा तो आप आराम से उसके बारे में लिख लेंगे ना। जैसे कि आप जब सामने से कहीं पर जाते होते हैं आपको कोई खूबसूरत दिख जाता है, वो खूबसूरत चीज कोई भी हो सकती है। अब देखिए जिसके मन में जो चल रहा होगा वही खूबसूरत लगेगा, जैसे आप जा रहे हैं आपको कई खूबसूरत सी कार दिख गई, ओके। हमेशा थोड़ी एक ही चीज थोड़ी ना खूबसूरत होती है भाई, कार भी खूबसूरत होती है, कपड़े भी खूबसूरत होते हैं, फूल भी खूबसूरत होते हैं, बहुत चीजें खूबसूरत होती हैं। तो देखिए हम पहले देखते हैं सांची का स्तूप आखिर दिखता कैसा है, फिर हम देखेंगे भरहूत का स्तूप कैसा दिखता है, फिर अमरावती का देखेंगे, तो कंपेयर हम कर लेंगे, उसके बारे में हम लिख देंगे। तो पढ़ना मना है, पहले हमें देखना पड़ेगा, हम क्या करेंगे विजुअलाइज करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले एक अच्छे से मैप लगाते हैं, ओके। तो देखते हैं कोई हमारे पास इमेज, वैसे तो हमने बहुत सारी इमेज डाउनलोड करके रखी हैं, तो देखिए आपको दिखाते हैं ये है, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, अब इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से
ये देखने को मिलेगा। तो देखिए ये कौन सा है, ये सांची का स्तूप देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिए और आप देख करके ही बता देंगे। आप कहेंगे सर इतना तो हमें नितिन सिंघानिया में भी नहीं मिलेगा, जितना आपको ऐसी विजुलाइज करके सब कुछ पढ़ा देंगे। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। कौन सा है ये, आपको सांची का स्तूप देखने को मिलेगा। भाई कौन सा है, सांची का स्तूप है। अब देखिए सांची का स्तूप है, इसका क्या है, तोरण द्वार। तो इसमें भी देखिए चार तोरण द्वार आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से, जो आपको बताए थे कल, चारों दिशाओं में होते हैं। इसके अलावा देखिए इधर ये वेदिका मतलब रोलिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए इसकी जो रोलिंग है ना वो कैसी है, वो आपको सादा देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर कोई मूर्ति उर्ति बनी है, कोई खूबसूरत अप्सरा बनी हुई है, नहीं बनी हुई है ना, कोई अप्सरा हाथी शेर भालू कोई कुछ भी नहीं बना हुआ, सादा आपको वेदिकाएं देखने को मिलेगी। लेकिन तोरण द्वार देखिए, अब देखिए तोरण द्वार है, इस पर अलंकरण किया गया है। इसके अलावा देखिए इसका अंड कैसा है, तो आपको अर्धचंद्राकार आपको देखने को मिलेगा, या फिर उल्टे कटोरी की तरह आपको देखने को मिलेगा। और देखिए फिर इधर आपको इस तरह से एक मार्ग भी देखने को मिलेगा ऊपर। देखिए यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा है, इधर से आप लोगों को कल दिखाई भी थे, ऊपर आपको देखने को मिलेगी हरिमिका, और हरिमिका के बाद में आपको इस तरह से सबसे ऊपर छत्रावलियां देखने को मिलेगी। देखिए इसका जो तोरण द्वार है ना, इस तोरण द्वार के ऊपर जो स्तंभ है और इसमें जो वेदिकाएं लगी हुई हैं, तो इस तोरण द्वार पर आपको बहुत सारी यहाँ पर कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। मूर्तियां उकेरी गई हैं, और इस तरह से उकेरी गई हैं कि ये इनका कोण का विशेष ध्यान रखा गया है, मतलब ये त्रिविमीय है, मतलब 3D टेक्नोलॉजी आ गई थी उससे। तो जो 3D टेक्नोलॉजी है ना उस पर ये बेस आपको देखने को मिलेगी। आप दूर से ही देख के बता सकते हैं, अच्छा ये हाथी है, अच्छा ये शेर है, ये क्या चीज है, अच्छा ये तो कोई अप्सरा दिख रही है। ओके, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। देखिए आपको एक और मैप दिखाते हैं इस तोरण द्वार का, अच्छा सा एक मैप दिखाते हैं, अगर हमारे पास में कहीं पड़ा हुआ होगा तो। देखिए है हमारे पास में, तो देखिए ये तोरण द्वार है, ये देखिए इसी पर एक क्वेश्चन भी था, अभी हम आपको दिखाए थे कि जो सांची का स्तूप है वो भरहूत की तुलना में उसकी जो मूर्तियां हैं वो ज्यादा अच्छी हैं, विवेचना कीजिए, वो आपको दिखाए थे ना, वही देखिए यहाँ से ही उसका आंसर निकलेगा उसका आंसर। तो देखिए तो जो भी हम आपको बताएंगे वो सब पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ऐसा नहीं है भैया और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे। तो देखिए इसका जो आपको स्तंभ देख, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा भाई, ये भी कह रहा है ना इतना ही जूम करो, और ज्यादा सब क्या है हमारे स्टूडेंट है वो टर्की टाइप के ज्यादा है, तो ज्यादा जूम करके नहीं दिखाना है। तो देखिए आपको देखिए इस तरह से नीचे वाला डिलीट कर देते हैं, 1 सेकेंड के लिए नीचे वाला डिलीट कर देते हैं, जिससे आपको ये वाला ही क्लियर दिखे, तोरण द्वार ही एकदम दिखे। ओके, तो देखिए इस तरह से आपको ये तोरण द्वार देखने को मिलेगा। तो देखिए तोरण द्वार आप लोग देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आपको बहुत सारी मूर्तियां दिखेंगी, जिसमें राजा रानियों की मूर्तियां हैं, हाथी हैं, मतलब लोग हैं वो बहुत सारे कार्य करते हुए नजर आते होंगे, देखिए। ओके, और इनमें विशेष बात ध्यान रखी गई है, कोड का विशेष ध्यान रखा गया है, 3D टेक्नोलॉजी मतलब 3D मतलब त्रिविमीय, मतलब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा उभार पक्ष बहुत अच्छा है। और जब स्त्रियों की यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई हैं तो उनके केश विन्यास, उनकी जो वेशभूषा है उस पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखा गया, एकदम उनको कोमल बनाया गया है, मतलब एक तरह से अप्सरा टाइप का बनाया गया है, वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपको ये दिखाते हैं, देखिए अब इससे ज्यादा यहाँ पर जूम नहीं हो सकता है, वरना आप लोगों के लिए दिखा देते। देखिए यहाँ पर जूम टेक्नोलॉजी है नहीं हमारे पास, कहीं से होता तो है जूम, हम भूल गए हैं जूम करना। हाँ देखिए ये जूम हो गया इधर से, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए इमेज तो जूम नहीं हो रही थी, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्त्रियों के केश विन्यास, स्त्री की पूरी वेशभूषा बनाई गई है। इधर देखिए आप लोग इधर इस तरह से हाथी हाथी देख सकते हैं इस तरह से, और इधर भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए दोनों तरफ इस तरह से स्त्रियों को बनाया गया है। ओके, और देखिए उभार पक्ष इसमें बहुत अच्छा आप लोगों के लिए इसमें देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं और देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये हाथी वाती हैं, शेर हैं, इनको बहुत अच्छे से बनाया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं शेर हो गया, इधर इसके ऊपर हाथी है, देखिए इधर स्त्रियां आपको देखने को मिलेंगी, अप्सराएं देखने को मिलेंगी, यक्ष और यक्षिणियां भी इसमें देखने को मिलेंगी, और देखिए टॉप पर आपको इस तरह से हाथी वाती भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारे देखिए जानवर हैं, सारी चीजें इधर घोड़े वोड़े पे बैठे हुए लोग इस तरह से दिखाए गए हैं। तो ये तो क्या हो गया, सांची का स्तूप हो गया। तो सांची के स्तूप में हमने क्या देखा, जो चारों ओर से वेदिका है उस पर चित्रण नहीं है, वो क्या है, सपाट है। तोरण द्वार है, उस पर तो बहुत एकदम देख करके आनंद आने वाली चीजें हैं। तो देखिए ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी।
चलिए अब हम भरहूत का स्तूप देख लेते हैं। कौन सा दूसरा कौन सा था हमारा, भरहूत का स्तूप देख लेते हैं, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, तभी तो उसको लिख पाएंगे। तो चलिए भरहूत का भी हम स्तूप देखते हैं, और भरहूत का स्तूप हमको कैसा देखने को मिलेगा। तो भरहूत का स्तूप हमको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अरे वाह वाह वाह, इसी कहेंगे कि सर इसमें तो स्तूप नाम की कोई चीज ही नहीं दिख रही है, स्तूप कहाँ गायब हो गया भाई। तो देखिए यही क्या है, स्तूप है। क्यों? क्योंकि ये अब ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा, सतना जिले में। ये नष्ट हो चुका है भाई, इसका कुछ भी बचा नहीं है। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा जो जनरल कनिंगम थे उनके लिए इसका कुछ अवशेष पार्ट मिल गया था भाई। कौन सा अवशेष पार्ट मिल गया था? एक आपको पूर्वी तोरण द्वार, देखिए ध्यान रखना है कौन सा, पूर्वी मतलब ईस्ट वाला जो तोरण द्वार था। ओके, जिसमें ऐसे प्रवेश करते हैं ना, वो इस तरह से जो बना हुआ होता है, वही तोरण द्वार, पूर्वी तोरण द्वार मिल गया। और कुछ वेदिकाएं भी मिल गई जो इस तरह से रोलिंग होता है, मतलब चारों ओर इस तरह से बनी हुई होती है, ये रोलिंग मिल गई। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं आखिर वो रोलिंग वोलिंग कैसी है, कहाँ पर है। सर जी हमको भी एक बार दिखा दीजिए, चलिए चलिए आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो अब वो यहाँ पर तो नहीं है, अब उसको सुरक्षित रखा गया है म्यूजियम में। तो चलिए दिखा देते हैं म्यूजियम वाला ये फोटो दिखा देते हैं। ये क्या है, भरहूत का आपको स्तूप देखने को मिलेगा, उसी का तोरण द्वार है, मिल गया था भाई ढूंढते ढूंढते। तो देखिए वो तोरण द्वार मिल गया, और साथ में आपको इस तरह से वेदिका मिल गई। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, ये भरहूत का है, ये कौन सा है, देखिए ये भरहूत का आपको देखने को मिलेगा, भरहूत का स्तूप। ओके, अब देखिए इसमें देखिए जो अलंकरण किया गया है, इसकी जो मूर्तियां बनी हुई हैं वो इस पर वेदिका पर भी आपको देखने को मिलेंगी, और साथ में तोरण द्वार है ना उस पर भी आपको बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इसमें भी हीन यान जो परंपरा के तहत इस पर बहुत सारी मूर्तियों को उकारा गया है। इसमें भी घोड़ा, हाथी या छोड़ या छड़ी जैसे अभी आपको दिखाए, खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं, खूबसूरत खूबसूरत हाथी घोड़े, खूबसूरत खूबसूरत पुरुष हैं, वो सब बनाएंगे। पुरुष भी खूबसूरत होते हैं, अब आप कहेंगे पुरुष खूबसूरत नहीं होते, पुरुष भी खूबसूरत होते हैं। तो उन सभी का अलंकरण किया गया है, लेकिन सांची में क्या था, सांची में सिर्फ तोरण द्वार पर किया गया था, लेकिन यहाँ पर तोरण द्वार के साथ में वेदिकाओं के ऊपर भी किया गया। आखिर अच्छा ये पता कैसे चला कि इसकी आकृति कैसी है, भरहूत में तो मिला ही नहीं, मट्टी मट्टी मिली भाई। तो देखिए इसका जो तोरण द्वार है ना, इसी तोरण द्वार पर इसकी मूल आकृति बनी हुई है, जो घंटाकृति की आपको देखने को मिलेगी। देखिए आपको दिखाते हैं घंटाकृति की, अगर कहीं पर हमने रखी होगी तो ठीक है। देखिए यहाँ पर वो इमेज है नहीं हमारे पास में, तो आपको एक दिखा देते हैं, वैसे ये वाला दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए ये वेदिका है ना, इसी वेदिका पर इमेज बनी हुई है। तो देखिए किस तरह से दिख रहा है, एक घंटा टाइप का दिख रहा है ना, इसी तरह से इसकी थी। आप लोग नेट पर एक बार जाकर के सर्च कर लीजिए, थोड़ा सा आप भी अपने मोबाइल में देख सकते हैं, वहां जूम कर करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम जूम करके आप लोगों को ज्यादा नहीं दिखा सकते। ओके, तो आप लोग भी जाकर के थोड़ा सा माथा पच्ची कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे मनोरंजन में आप जैसे टिकटॉक चलाते हैं, टिकटॉक की जगह पर इस तरह की चीजें खोजा करेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, आपको पेपर में हेल्प मिलेगी। ओके, और लोगों को भी आप अच्छी अच्छी चीजें शेयर कर पाएंगे, अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बता पाएंगे, हमारी संस्कृति, कला संस्कृति के बारे में, हमारा जो कल्चर है और ज्यादा आप प्रमोट कर पाएंगे। तो जानेंगे तभी तो प्रमोट करेंगे, ऐसे ही प्रमोट कर देंगे कि आप लोग। तो देखिए ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा हम अमरावती की बात करते हैं, तो चलिए हमने दो तो देख लिया, अमरावती को और देख लेते हैं। तो अमरावती का आपको देखने को मिलेगा, तो भाई ये तो पत्थरों से बनाए गए थे। ओके, जैसे लाल बलुआ उलुआ पत्थर से ये सब बनाए गए थे, लेकिन दूसरी तरफ अमरावती का हम लोग देख लेते हैं, तो अमरावती का जो है ना वो संगमरमर से बनाया गया है। और उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता आपको देखने को मिलेगी, किधर गया यहाँ पर, एक ए है, मिल गया। चलिए तो देखिए ये अमरावती का आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, चलिए अमरावती को भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये अमरावती का, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं, नंबर एक आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर जो तोरण द्वार है वो खुले रूप से बने हुए हैं। तोरण द्वार देखिए यहाँ पर वेदिका है नहीं, ये वाली वेदिका इधर आपको नहीं देखने को मिलेगी, मेन वाली वेदिका इसमें नहीं है। तो यहाँ पर जो तोरण द्वार है वो खुले रूप से बने हुए हैं, और साथ में इस संगमरमर का बना हुआ है, और साथ में यहाँ पर जो तोरण द्वार है, और साथ में तोरण द्वार है, और इधर जो वेदिका, ये वेदिका है, ये तोरण द्वार है, और साथ में इसकी एक विशेषता है कि जो इसका जो अंड है ना, इस
अंड पर भी ये देखिए कलाकृतियां बनाएगी। आप लोगों के लिए नहीं दिख रहा होगा क्लियर, क्योंकि ये धुंधली है थोड़ी सी इमेज, आप लोग जाकर के देखेंगे तो देखिए ये भी सब क्या है, यहाँ पर इस तरह से कलाकृतियां बनाई गई हैं इसके अंड पर। तो इसके अंड पर भी क्या बनाया गया है, कलाकृतियां बनाई गई हैं। और साथ में जो तोरण द्वार है, तो तोरण द्वार के पीछे आप लोग देख सकते हैं ना, तोरण द्वार है, यहाँ पर आपको 5 स्तंभ देखने को मिलेंगे। ये देखिए पहला, दूसरा, बीच वाला क्या है बहुत बड़ा है, फिर इधर, फिर तो आपको, यानी कि 5 स्तंभों पर तोरण द्वार इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को अभी नोट डाउन नहीं करना है, अभी आपको सब कुछ लिखाया जाएगा, अभी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे देखिए जो सांची का स्तूप है, तो जो सांची का स्तूप आपको देखने को मिलेगा वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में जो रायसेन जिले में, रायसेन जिले में आपको देखने को मिलेगा। तो रायसेन जिले में जो सांची की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर 3 स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा? सांची की पहाड़ियों पर, सांची की पहाड़ी है ना, इसी पर आपको टोटल 3 स्तूप देखने को मिलेंगे। ओके, अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, वैसे अभी हम सब कुछ लिखाने वाले भी हैं। 3 स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अगर आप ऐसे शॉर्ट में नोट करेंगे ना तो ये पीटी के लिए काफी हेल्प करेगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। तो देखिए 3 स्तूप आपको देखने को मिलेंगे, इसमें से जो पहला स्तूप है ना, ये पहला स्तूप है जिसको महास्तूप बोलते हैं, महास्तूप बोलते हैं, यही वाला क्या है सबसे ज्यादा प्रमुख आपको देखने को मिलेगा। और देखिए ये बेतवा नदी से इसका संबंध है, बेतवा नदी से आपको इसका संबंध देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं भरहूत की हम बात करें, ये भी मध्य प्रदेश में है। ओके, लेकिन ये मध्य प्रदेश के कहां पर देखने को मिलेगा, ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में देखने को मिलेगा। ये भी कहां है, मध्य प्रदेश राज्य में ही देखने को मिलेगा, शॉर्ट में हम एमपी लिखे हुए हैं, मध्य प्रदेश राज्य। ओके, तो मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में, सतना जिले में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो अमरावती है, तो अमरावती आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, गुंटूर जिले में। कहाँ पर? गुंटूर जिले में। ओके, और इसका संबंध कृष्णा नदी से आपको देखने को मिलेगा, कृष्णा नदी। ओके, तो कृष्णा नदी के किनारे अमरावती वाला बना हुआ है। देखिए अगर हम सांची और भरहूत की बात करें, तो इन दोनों का निर्माण है, इसका मूल निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था, बाद में शुंगों के द्वारा इन दोनों का बाद में और ज्यादा भव्य विकास हुआ था। लेकिन अमरावती है वो इक्ष्वाकु और सातवाहन शासकों के द्वारा इसका विकास कराया गया था। ओके, तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, हम लोग नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ओके, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ओके, एक सेकंड रुकिएगा, अभी ये क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लियर हो गया। तो देखिए जो यहाँ पर आपको सांची का स्तूप देखने को मिलेगा, ये सांची का स्तूप जो है, ये मूल रूप से इसका जो मूल इसका निर्माण कराया था वो किसने कराया था, अशोक द्वारा कराया गया, अशोक द्वारा कराया गया। और इसका निर्माण भी, इसके भी मूल स्तूप का निर्माण था वो अशोक द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? अशोक द्वारा। और बाद में इसका जो भव्य विकास हुआ था वो शुंगों के द्वारा हुआ था, तो आप लोग ब्रैकेट में शुंग भी लिख सकते हैं। लेकिन जो अमरावती है, इसका जो विकास है वो इक्ष्वाकु शासकों के द्वारा, इक्ष्वाकु शासकों बा सातवाहन शासकों के द्वारा, सातवाहन शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ओके, इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, यह है काफी भव्य है। तो सांची का स्तूप क्या है, यह है काफी भव्य स्तूप देखने को मिलेगा, इसके बहुत अंग प्रत्यंग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम इसकी बात करें, भरहूत के स्तूप की बात करें, तो भरहूत का जो स्तूप है इसका मूल रूप तो क्या हो गया, नष्ट हो गया है भाई। इसका क्या मिला है, सिर्फ पूर्वी तोरण द्वार और पूर्वी तोरण द्वार और वेदिका सिर्फ यहाँ पर मिली है। ओके, तो इसका संपूर्ण ढांचा है,
वो क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। देखिए इस तरह से हम सिंबल बना दिए हैं, क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। इसका सिर्फ जो पूर्वी तोरण द्वार है, पूर्वी तोरण द्वार प्लस जो वेदिका है वो मिली है, ओके। और इसी की जो वेदिका है ना, देखिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इसी की जो वेदिका है ना, इसी वेदिका पर इसकी जो मूल आकृति है ना, वो इसी वेदिका पर बनी हुई है, ओके। मूल आकृति, मूल आकृति। तो पूछा जा सकता है जो भरहूत की मूल आकृति है वो तोरा द्वार पे बनी हुई है या फिर वेदिका पर बनी हुई है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है वेदिका पर इसकी मूल आकृति बनी हुई है। और देखिए ये किसको मिला था, जो आपको देखने को मिलेगा तो पूर्वी तोरण द्वार और जो वेदिका है भाई, ये किसको मिली थी, तो जनरल कनिगम को मिली थी, जनरल कनिगम को मिली थी, ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर इसकी आकृति के बारे में पूछा जाए तो जो घंटा आकृति का था, ओके, तो घंटा आकृति का ये था, तो ब्रैकेट में अगर आप लोग तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ओके। वहीं अगर हम इसकी बात करें तीसरे पॉइंट की, तो ये किससे बना हुआ है, ये आपको संगमरमर से बना हुआ दिखाई देगा, संगमरमर से बना हुआ है। और प्लस आपको देखने को मिलेगा इसके अंड पर भी, इसकी एक विशेषता क्या है, इसका जो अंड है ना उस पर भी जो चित्रण है वो किया गया है, ओके, चित्रण किया गया है। और प्लस इसका जो तोरण द्वार है, मतलब जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार है, वो किस प्रकार का है, खुले प्रकार का है, खुले ढंग से बना हुआ है, खुले ढंग से बना हुआ है। और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि इसके प्रवेश द्वार है वहां पर 5 स्तंभ भी देखने को मिलेंगे, जिसको आयक बोलते हैं। इन 5 स्तंभों को, मतलब इन स्तंभों को क्या बोला जाता है, आयक स्तंभ बोला जाता है, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि देखिए जो सांची का स्तूप है और भरहूत का स्तूप है, ये दोनों हीनयान परंपरा के तहत बनाए गए हैं। मतलब यहाँ पर जो बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे, बुद्ध से रिलेटेड जैसे कि हाथी, घोड़ा, बहुत सारे जानवर हैं उनको बनाया गया, यक्ष और यक्षिणी को बनाया गया, आम लोगों की जो चित्रण है वो किए गए हैं, जैसे कि जातक कथाएं हो गई हैं उनका भी चित्रण किया गया है, सामान्य लोग जो सामान्य जनजीवन के से संबंधित लोग हैं उनका भी इस पर चित्रण किया गया। लेकिन अमरावती का देखने को मिलेगा यहाँ पर हीनयान और महायान दोनों से संबंधित यहाँ पर चित्रण किया गया है। हीनयान के तहत जैसे कि हाथी, घोड़ा, स्त्री पुरुष और इन सभी के अप्सराएं अप्सराएं के चित्र बनाए गए। लेकिन वहीं महायान परंपरा के अंतर्गत स्वयं बुद्ध के चित्र बनाए गए हैं, विभिन्न मुद्राओं में उनके चित्रण किया गया है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको हीनयान परंपरा के तहत, हीनयान परंपरा के तहत, तो देखिए अभी ये हैंग कर गया है तो आप लोगों को अब नोट करा देते हैं, बार बार हैंग कर रहे हैं तो इस वजह से, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को वैसे सारी चीजें हम बता ही दिए हैं, तो अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा नोट कर लेना है। तो देखिए नोट करिए आप लोग, सबसे पहले सांची का स्तूप एक बार बार देखिए आ जा रहे हैं, एक सेकंड आप लोग रुकिएगा, बैक कर लेते हैं फिर आप लोगों को लिखाते हैं, ओके। तो आप लोग किसी तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए अगर आप लोग ऐसे बुक का पार्टिसिपेशन करेंगे तो आप लोग इस तरह से बुक का पार्टिसिपेशन करके भी बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं पैराग्राफ में लिखना इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, तो आप तीनों का इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, जिस तरह से आप लोग लिखना चाहते हैं उस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आप लोग ऐसे तुलनात्मक अध्ययन, मतलब 3 लाइनें खींच के लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए, अगर आप लोग पैराग्राफ में लिखने हैं तो पैराग्राफ में लिख लीजिए, तो हम आपको जैसे बोलेंगे वो आपको लिखते चले जाना है। तो देखिए पहले हम बोल रहे हैं सांची के स्तूप के बारे में, तो इसके बारे में लिखना है, यह है मध्य प्रदेश के, यह है सांची के स्तूप के बारे में लिखना है, यह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के तहत, रायसेन जिले के तहत, रायसेन जिले के तहत सांची की पहाड़ियों पर, सांची की पहाड़ियों पर, सांची की पहाड़ियों पर स्थित है, सांची की पहाड़ियों पर स्थित है, पहाड़ी पर 3 स्तूप, 3 स्तूप हैं, पहाड़ी पर 3 स्तूप हैं, जिसमें स्तूप संख्या 1, जिसमें स्तूप संख्या 1 सबसे प्रमुख है,
जिसको क्या बोलते हैं, महास्तूप के नाम से जानते हैं। ओके, इसका संबंध बेतवा नदी से है, इसका संबंध बेतवा नदी से है। अब देखिए पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वहीं बरकूत का स्तूप। ओके, लेकिन अगर आप लोग इस तरह से डिवाइडेशन करके लिखे हैं तो आपको वही नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम जो बोल रहे हैं वही आप लोगों को लिख लेना है। ओके, तो यह है भरहूत के बारे में लिखना है। ओके, यह है पॉइंट नंबर एक है भरहूत के स्तूप के बारे में। यह है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, यह है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। ओके, अब वही अमरावती के बारे में लिखना है। अब आप लोगों को पॉइंट नंबर वन अगर पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो आप लोग पैराग्राफ ऐसे कंटिन्यू करिए। ओके, तो अमरावती के बारे में आप लोगों को लिखना है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, यह है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा घाटी में अवस्थित है। गुंटूर जिले में कृष्णा घाटी में अवस्थित है। इसका निर्माण इक्ष्वाकु तथा सतवाहनों के संरक्षण में किया गया, तथा इसका निर्माण इक्ष्वाकु तथा सातवाहन शासकों के संरक्षण में किया गया। ओके, कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब देखिए आपको सांची के स्तूप के बारे में पॉइंट नंबर टू लिखना है। ओके, सांची के स्तूप के बारे में पॉइंट नंबर टू लिखना है। यह है काफी भव्य स्तूप है, यह है काफी भव्य स्तूप है, यह है काफी भव्य स्तूप है, जिसके कई अंग प्रत्यंग हैं, जिसके कई अंग प्रत्यंग हैं, जिसके कई अंग प्रत्यंग हैं। ओके, जिसके कई अंग प्रत्यंग हैं। अब आपको भरहूत के बारे में आप लोगों को लिखना है पॉइंट नंबर टू। अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो पैराग्राफ कंटिन्यू रखिएगा आप लोग। तो भरहूत के बारे में पॉइंट नंबर टू लिखना है। भरहूत का स्तूप का संपूर्ण ढांचा प्राप्त नहीं हुआ है, का संपूर्ण ढांचा प्राप्त नहीं हुआ है, संपूर्ण ढांचा प्राप्त नहीं हुआ है, केवल पूर्वी तोरण द्वार एवं वेदिका केवल पूर्वी तोरण द्वार एवं वेदिका का भाग जर्नल कनिंगम ने प्राप्त किया था। इसकी मूल आकृति वेदिका पर बनी है। इसकी मूल आकृति वेदिका पर बनी है। यह घंटाकृति के आकार का स्तूप था। यह घंटाकृति के आकार का स्तूप था। ओके, अब आप लोगों के लिए अमरावती वाले में लिखना है दूसरा पॉइंट। यह स्तूप अमरावती के बारे में आप लोगों को लिखना है दूसरा पॉइंट। यह स्तूप सांची एवं भरहूत से अलग है। यह स्तूप
सांची एवं भरहूत के स्तूप से अलग है। यह है संगमरमर से बना है। यह है संगमरमर से बना है। इसके अंड पर भी शिल्पांकन किया गया है। इसके अंड पर भी शिल्पांकन किया गया है। इसके अंड पर भी शिल्पांकन किया गया है। इसके प्रवेश द्वार खुले ढंग से बनाए गए हैं। इसके प्रवेश द्वार खुले ढंग से बनाए गए हैं। प्रवेश के लिए यहाँ 5 स्तंभ बने हैं। प्रवेश के लिए यहाँ 5 स्तंभ बने हैं। इन स्तंभों को आयक कहा जाता है। इन स्तंभों को आयक कहा जाता है। इन स्तंभों को आयक कहा जाता है। ओके, लिख लिया आप लोगों ने। इन स्तंभों को आयक कहा जाता है। तीसरा पॉइंट आप लोगों को लिखना है सांची के स्तूप में। सांची के स्तूप में आप लोगों को तीसरा पॉइंट लिखना है। सांची का स्तूप अपने भव्य स्थापत्य के साथ साथ सांची का स्तूप अपने भव्य स्थापत्य के साथ साथ शिल्प मतलब जो शिल्पों का मतलब है यहाँ पर मूर्तियों से शिल्पों के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। शिल्पों के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। जो निम्न है ओके, जो निम्न है, ये तीसरा ही पॉइंट अभी चल रहा है। पॉइंट आपको चेंज नहीं करना है ओके। तीसरा पॉइंट ही सांची के में ही चलना है। अब आपको ऐसे जो निम्न है मतलब ए ए बी सी डी करके लिख सकते हैं, या फिर 1 2 3 करके आप लोग लिख सकते हैं। रोमन संख्याओं का जो होता है उस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। यानी कि तीसरे पॉइंट में ही आप लोगों के लिए आगे लिखना है सांची के स्तूप में। अभी हम लोग भरहूत के में नहीं लिख रहे हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पर हीन यानी शिल्प के तहत, हीन यानी शिल्प के तहत, हीन यानी शिल्प के तहत बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित शिल्प बनाए गए हैं। शिल्प बनाए गए हैं। जैसे जैसे हाथी, घोड़ा, शेर तथा चक्र। हाथी, घोड़ा, शेर तथा चक्र यादि को बनाया गया है। यादि को बनाया गया है। यादि को बनाया गया है ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो जातक कथाएं हैं उनको भी बनाया गया। तो आपको पॉइंट बी लिखना है। सांची तोरण द्वार के पत्थरों की पट्टिकाओं पर सांची तोरण द्वार के सांची तोरण द्वार के पत्थरों की पट्टिकाओं पर
पटिकाओं पर जातक कहानियों के शिल्पों को भी उकेरा गया है। जातक कहानियों के शिल्पों को भी उकेरा गया है, जिसमें जिसमें छादंत, बेसनार, छादंत, बेसनार और श्यामक, श्याम जातक कथाएं यादि की कथाएं चित्रित हैं। देखिए जो कठिन शब्द होते हैं वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। यादि की कथाएं चित्रित हैं, आपको अब सी लिखना है यहाँ पर। ओके, सी आप लोग लिखना है। लोक या सामान्य विषयों के बारे में यहाँ पर चित्रण किया गया है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। लोक या सामान्य विषयों के चित्र इसके तहत यक्ष और यक्षिणियों इसके तहत यक्ष एवं यक्षिणियों जिसको साल भंजिकाएं भी बोलते हैं, जिसको सास भंजिकाएं भी बोलते हैं। ओके, यक्ष और यक्षिणियों पुष्प एवं लताओं नृत्य एवं संगीत के दृश्य आदि का शिल्पांकन किया गया है। दृश्य आदि का शिल्पांकन किया गया है दृश्य आदि का शिल्पांकन किया गया है। ओके, डी आप लोगों को लिखना है इसी में, मतलब डी पॉइंट है। सांची के शिल्प कला के अद्भुत उदाहरण हैं। शिल्प कला के अद्भुत उदाहरण हैं। इन्हें रिलीफ चित्रण कहा जाता है। इसके शिल्पों में त्रिविमीय का आभास दिखाई देता है, मतलब 3D का। इसके शिल्पों में त्रिविमीय का आभास, मतलब 3D का आभास दिखाई देता है। मूर्तियों को हर कोण से उचित नाप एवं संतुलन को ध्यान में रखते हुए शिल्पांकित किया गया है। ओके, तो ये तो हमने सांची के बारे में हमने ये पॉइंट लिख लिए। ओके, ये 3D वाला त्रिविमीय वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब आपको तीसरा पॉइंट लिखना है यहाँ पर, भरहूत के बारे में तीसरा पॉइंट लिखना है। तो शिल्प कला के विषय है वो आपको सांची की तरह सेम एस देखने को मिलेंगे। लिख लीजिए आपको सेम एस। ओके, सेम एस सांची, मतलब सांची की तरह ही आपको सेम देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए आपको पहला पॉइंट जो हीन यान के तहत, हीन यानी शिल्पांकन किया गया है। हीन यान शिल्पांकन के तहत जैसे हाथी, घोड़े और बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो कहानियां हैं उनको यहाँ पर उकेरा गया है। और भी आपको सेम देखने को मिलेगा, जैसे कि जातक कथाएं,
जिसमें जातक कथाओं में अप्सराओं के आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे उड़ती हुई अप्सराएं या चौड़ या छड़ियों के फोटो देखने को मिलेंगे, तो उन सभी के यहाँ पर फोटो हैं। तो जातक कथाओं के देखने को मिलेंगे। और सी आपको देखने को मिलेगा सामान्य विषय, जो सामान्य विषय जिसको लोक विषय भी बोलते हैं, इसमें जो आम स्त्री पुरुष होते हैं उनसे संबंधित यहाँ पर चित्रों यानी कि शिल्पों को यहाँ पर उकेरा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डी वाला आपको नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो 3D वाला पार्ट है वो नहीं है। ओके, तो इसको तीसरा वाला है उसको यहाँ पर नहीं लिखना है, तीसरा वाला आपको नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि जो यहाँ पर भरहूत का स्तूप है, यहाँ पर कोण को विशेष ध्यान नहीं रखा गया है, उनको अच्छे से उभारा नहीं गया है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यानी कि 3D वाला इसमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए तीसरा पॉइंट आप लोगों को लिखना है, अमरावती में तीसरा पॉइंट लिख लेना है। तो शिल्प कला के दृष्टि से तो आपको हेडिंग डालना है शिल्प कला, मतलब हम तीसरा पॉइंट ही यहाँ पर हम लिख रहे हैं अमरावती के बारे में। तो यहाँ पर पॉइंट ये लिखना है शिल्प कला, शिल्प कला। अब देखिए शिल्प कला आपने इस तरह से डाला है, अब यहाँ पर भी आपको ए बी सी इस तरह से लिखना है। तो नंबर ए यह है हीन यान एवं महायान, यह है हीन यानी तथा महायानी, महायानी दोनों के तहत बुद्ध के शिल्प बने हैं, दोनों के तहत बुद्ध के शिल्प बने हैं। जैसे हीन यानी के तहत आपको देखने को मिलेगा हाथी घोड़ा बहुत सारे चित्र देखने को मिलेंगे, लेकिन महायानी के अंतर्गत स्वयं स्वयं जो महात्मा बुद्ध है ना, उनके चित्रों को उकेरा गया है विभिन्न मुद्राओं में, आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए आप लोगों को लिखना है कि हीनयान तथा महायानी, हीन यानी तथा महायानी दोनों परंपराओं के तहत बुद्ध के शिल्प बने हैं। हीन यानी परंपरा के तहत, हीन यानी परंपरा के तहत बुद्ध से जुड़े प्रति को, बुद्ध से जुड़े प्रति को जैसे कि आपको देखने को मिलेगा तीर हाथी घोड़ा तथा चक्र यादि, चक्र यादि तथा महायानी परंपरा के तहत, तथा महायानी परंपरा के तहत, तथा महायानी परंपरा के तहत बुद्ध के स्वयं की मूर्तियां बनाई गई हैं, बुद्ध के स्वयं की मूर्तियां बनाई गई हैं। ओके, अब यहां पर आपको नेक्स्ट पॉइंट बी लिखना है, वेदिकाओं तथा द्वार स्तंभों पर, वेदिकाओं तथा द्वार स्तंभों पर जातक कहानियों के चित्र भी शिल्पांकित किए गए हैं, वेदिकाओं तथा द्वार स्तंभों पर जातक कहानियों के चित्र भी शिल्पांकित किए गए हैं, शिल्पांकित किए गए हैं। ओके, अब यहां पर आपको सी लिखना है सामान्य तथा, सी आपको लिखना है सामान्य तथा लोक विषय से संबंधित चित्र, सामान्य तथा लोक विषय से संबंधित चित्र इसके बारे में लिखना है। अमरावती, अमरावती में आम जनजीवन एवं, अमरावती में आम जनजीवन, आम जनजीवन एवं लोक विषय से संबंधित विषयों को, एवं लोक विषय से संबंधित विषयों को काफी महत्व दिया गया है, काफी महत्व दिया गया है। राजाओं, राजकुमारों, राजाओं, राजकुमारों, राजकुमारियों, महलों, आम स्त्री पुरुष के अत्यंत खूबसूरत एवं मनमोहक चित्र, मनमोहक चित्र बनाए गए हैं, अत्यंत मनमोहक चित्र बनाए गए हैं, अत्यंत मनमोहक चित्र बनाए गए हैं। स्त्री की मूर्तियां, इसी में आपको लिखना है आगे, स्त्री की,
मूर्तियों में स्त्री की, मूर्तियों में कोमल काया, स्त्री की मूर्तियों में कोमल काया भव्य साज सजा के साथ बनी है। भव्य साज सज्जा के साथ, साज सज्जा के साथ बनी है। ओके, भव्य साज सज्जा के साथ बनी है, तो ये चीज आप लोगों के लिए देखने को मिलेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पूरा यहाँ पर लिख लिया है, आपका यहाँ पर ही फिनिश होता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर भरहूत और सांची की, भरहूत और सांची का जो स्तूप है ना, इसमें थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। जो भरहूत एवं सांची में तुलना, तुलना। ओके, तो देखिए पहले हम लोग यहां पर समानता के बिंदु लिख लेते हैं। जैसे जो भरहूत है और सांची है, इन दोनों स्तूपों की पहले हम समानता की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग देख लेते हैं असमानता के पक्ष भी देख लेते हैं कि दोनों में कौन कौन सी असमानताएं हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डालना है समानता के बिंदु, मतलब इन दोनों स्तूपों में कौन कौन सी समानताएं हैं। तो सबसे पहले हम समानता के बिंदुओं की बात कर लेते हैं, समानता के बिंदुओं की बात कर लेते हैं। तो समानता के बिंदु हैं, इनमें आपको लिखना है 1 2 3 करके, आप लोग लिखना चाहते हैं जिस तरह से आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ओके, तो आपको पहला लिखना है कि दोनों हीन यानी बौद्ध स्तूप कला का उदाहरण है। बौद्ध हीन यानी बौद्ध स्तूप कला का उदाहरण है। दोनों का मूल निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। दोनों का मूल निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। बाद में शुंग काल में दोनों को शुंग शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। बाद में शुंग काल में दोनों को शुंग शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। शुंगों के संरक्षण में दोनों का भव्य विकास हुआ। दोनों का भव्य विकास हुआ। आपको फिर पार्ट मतलब पॉइंट भी लिखना है। दोनों ही स्तूपों पर बुद्ध से संबंधित घटनाओं को दोनों ही स्तूपों पर बुद्ध से संबंधित घटनाओं को बुद्ध से संबंधित घटनाओं को देखिए सुंगो को आप लोग लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख लीजिए, एक्चुअली हैंग करिए। दोनों ही स्तूपों पर बुद्ध से संबंधित घटनाओं को हीन यानी प्रतीकों ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं, जैसे कि हाथी। हीन यानी प्रतीक कौन कौन से, जैसे कि हाथी, शेर, घोड़ा तथा चक्र। ओके, हीन यानी परंपरा के तहत आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ओके, हीन यानी प्रतीक को एवं जातक कहानियों से संबंधित शिल्प एवं मूर्तियां बनी हैं। जातक कहानियों से संबंधित शिल्प एवं मूर्तियां बनी हैं। शिल्प एवं मूर्तियां बनी हैं। ओके, आपको सी लिखना है। दोनों ही स्तूपों पर लोक विषय से संबंधित विषयों जैसे यक्ष और यक्षिणी, जैसे यक्ष और यक्षिणी
कॉमा अप्सराएं कॉमा नाग कॉमा किन्नर कॉमा गंधर्व कॉमा जानवर कॉमा पुष्प एवं लताएं। यादि से संबंधित शिल्प भी बने हैं, यादि से संबंधित शिल्प भी बने हैं, यादि से संबंधित शिल्प भी बने हैं। ओके, एक मिनट फैन बंद कर देते हैं, लाइट चली गई हमारी। एक्चुअली यहाँ पर दो तीन फैन चल रहे हैं इसी से, तो इस वजह से एक दो को बंद करते हैं, वरना इन्वर्टर बोल जाएगा अभी रात का वक्त है। ओके, और देखिए अब हम लोग यहाँ पर दोनों के जो भरभूत और साची है इसकी असमानता के बिंदु भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, असमानता के बिंदु, असमानता के बिंदुओं की हम बात कर लेते हैं। तो असमानता के बिंदु कौन कौन से हैं, तो देखिए इसको भी आप लोगों को पॉइंट फॉर्म में 1 2 3 करके लिख लेना है। ओके, तो देखिए आपको देखने को मिलेगा, पहला आप लोगों को लिखना है कि सांची की वेदिकाएं सादी हैं, सांची की वेदिकाएं सादी हैं, मतलब उन पर चित्रण नहीं किया गया, आपको दिखाई दे सबसे पहले सादी हैं, इस पर कोई शिल्प नहीं है, इस पर कोई शिल्प नहीं है, यह है केवल, सॉरी यहां केवल, यहां केवल तोरण द्वारों पर शिल्पांकन, यहां केवल तोरण द्वारों पर, तोरण द्वारों पर शिल्पांकन, शिल्पांकन मिलता है, शिल्पांकन मिलता है, शिल्पांकन मिलता है, भरहूत में, भरहूत में वेदिकाओं तथा, भरहूत में वेदिकाओं तथा तथा तोरण द्वार दोनों पर शिल्पांकन मिलता है, वेदिकाओं तथा तोरण द्वार दोनों पर शिल्पांकन मिलता है, दोनों पर शिल्पांकन मिलता है। चलिए आप लोगों को यहाँ पर बी पॉइंट डालना है, मूर्ति कला की दृष्टि से, मूर्ति कला की दृष्टि से, मूर्ति कला की दृष्टि से सांची की मूर्तियां भरहूत की अपेक्षा, सांची की मूर्तियां भरहूत की अपेक्षा अधिक अच्छी हैं, भरहूत की अपेक्षा अधिक अच्छी हैं, सांची की मूर्तियों में, सांची की मूर्तियों में, सांची की मूर्तियों में 3D का आभास होता है, सांची की मूर्तियों में 3D का आभास होता है, इसीलिए इसे रिलीफ चित्रण कहा जाता 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 है। चलिए आप लोगों को सी लिखना है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग सी डालिए। ओके, क्या कहा जाता है, रिलीफ चित्रण, रिलीफ चित्रण कहा जाता है। ओके, अब सी आपको पॉइंट डालना है, सांची का स्तूप वर्तमान में, सांची का स्तूप वर्तमान में पूर्ण रूप से सुरक्षित है, सांची का स्तूप वर्तमान में पूर्ण रूप से सुरक्षित है, लेकिन भरहूत का स्तूप नष्ट प्राय हो चुका है, लेकिन भरहूत का स्तूप नष्ट प्राय, भरहूत का स्तूप नष्ट प्राय हो चुका है, इसका केवल पूर्वी तोरण द्वार, इसका केवल पूर्वी, इसका केवल पूर्वी तोरण द्वार
एवं वेदिका सुरक्षित है, एवं वेदिका सुरक्षित है, जिसे मुंबई संग्रहालय में रखा गया है, जिसे मुंबई संग्रहालय में रखा गया है, जिसे मुंबई संग्रहालय में रखा गया है। ओके, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर तीन अंतर देख लिए। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो सांची की जो मूर्तियां हैं और जो भरकूत की मूर्तियां हैं, इनमें से कौन से अदब श्रेष्ठ है, विवेचना कीजिए। ओके, चलिए वो क्वेश्चन जो हम आपको लिखाए थे, सांची की मूर्तियां, सांची की मूर्ति कला, सांची की मूर्ति कला कला भरहूत से अधिक श्रेष्ठ है, अधिक श्रेष्ठ है, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। ओके, चलिए आप लोग नोट करिए जल्दी से, फिर हम इसका आप लोगों को आंसर लिखाते हैं। ओके, वैसे तो अब आप लोग भी इसके बारे में आराम से लिख सकते हैं क्योंकि इतना पढ़ा दिए हैं, फिर भी आंसर लिखा देते हैं इसका। पानी भी, दो बोतलें खत्म हो चुके हैं, अब पानी भी नहीं बचा है और हमारा क्लास भी अब ओवर होने वाला है, इसका आंसर लिखवाने के बाद में क्लास खत्म हो जाएगा हम लोग का। चलिए आप लोग लिखना प्रारंभ करिए। सांची तथा भरहूत दोनों स्थानों पर, सांची तथा भरहूत दोनों स्थानों पर अशोक तथा शुंग शासकों के संरक्षण में, अशोक तथा शुंग शासकों के संरक्षण में, शुंग शासकों के संरक्षण में स्तूपों का निर्माण हुआ, दोनों स्तूपों पर वेदिका तथा तोरण द्वार, दोनों स्तूपों पर वेदिका तथा तोरण द्वार पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं, बुद्ध से जुड़ी घटनाओं एवं जातक कहानियों तथा लोक जीवन से संबंधित, तथा लोक जीवन से संबंधित अनेक शिल्प बनाए गए हैं, अनेक शिल्प बनाए गए हैं, लेकिन तकनीकी दक्षता एवं बनावट में, लेकिन तकनीकी दक्षता एवं बनावट में दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। सांची के शिल्प हाई रिलीफ चित्रण हैं, हाई रिलीफ चित्रण कहे जाते हैं, हाई रिलीफ चित्रण कहे जाते हैं, जिसकी तकनीकी भरहूत से अधिक श्रेष्ठ है, जिसकी तकनीकी भरहूत से अधिक श्रेष्ठ है। दोनों, आपको पैराग्राफ चेंज करके अब आप लोगों को लिखना है, दोनों स्तूपों में हीन यानी परंपरा के विभिन्न प्रतीकों, दोनों स्तूपों में हीन यानी परंपरा के विभिन्न प्रतीकों जैसे अश्व, मतलब जो घोड़ा जिसको बोलते हैं, अश्व, हाथी, शेर, चक्र यादि के शिल्प, यादि के शिल्प। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जैसे कि जातक कथाएं, लिखिए आगे, जातक कथाएं आम जनजीवन से संबंधित विषय,
आम जनजीवन से संबंधित विषय, आम जनजीवन से संबंधित विषय जैसे ब्रैकेट में आप लोगों को लिख लेना है यक्ष और यक्षिणियां, नाग पूजा, पुष्प लताएं, नाग पूजा, पुष्प लताएं, जानवर यादि, जानवर यादि, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, के शिल्प बने हैं, के शिल्प बने हैं, के शिल्प बने हैं, लेकिन भरहूत की अपेक्षा, लेकिन भरहूत की अपेक्षा सांची की मूर्तियों में, लेकिन भरहूत की अपेक्षा सांची की मूर्तियों में उभार पक्ष ज्यादा बेहतर है, सांची की मूर्तियों में उभार पक्ष ज्यादा बेहतर है, इसका मूर्तन तीन विमीय है, इसका मूर्तन त्रिविमीय है, इसका मूर्तन त्रिविमीय है, इसका मूर्तन त्रिविमीय है। हेडिंग आपको मतलब पैराग्राफ आप लोगों को चेंज कर लेना है। सांची में सामाजिक उत्सवों, सामाजिक सामाजिक उत्सवों कौमा वेशभूषा, सामाजिक उत्सवों कौमा वेशभूषा और स्त्रियों के केश विन्यास, और स्त्रियों के केश विन्यास आभूषण आदि का शिल्पांकन काफी बारीकी से किया गया है। केश विन्यास स्त्रियों के केश विन्यास, केश विन्यास कौमा आभूषण, आभूषण यादि का शिल्पांकन काफी बारीकी से किया गया है, काफी बारीकी से किया गया है। यहाँ स्त्री पुरुष को, यहाँ स्त्री पुरुष को गायन वादन, गायन वादन तथा नृत्य करते, तथा नृत्य करते, तथा नृत्य करते शिल्पांकित किया गया है, नृत्य करते शिल्पांकित किया गया है, नृत्य करते शिल्पांकित किया गया है। यह इतने बारीक तथा तकनीकी रूप से दक्ष हैं, यह इतने बारीक तथा, यह इतने बारीक तथा तकनीकी रूप से दक्ष हैं कि पत्थर में दूर से ही, कि पत्थर में दूर से ही बंसी, दूर से ही बंसी बीड़ा तथा बंसी बीड़ा तथा ढोल जैसे, बंसी बीड़ा तथा ढोल जैसे वाद्य यंत्रों को, जो बजाने वाले यंत्र होते हैं उनको बोलते हैं वाद्य यंत्रों को आसानी से, वाद्य यंत्रों को आसानी से पहचाना जा सकता है, आसानी से पहचाना जा सकता है, आसानी से पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ के जानवर पुष्प लताओं के चित्र भी, इसी प्रकार यहाँ के जानवर, इसी प्रकार यहाँ के जानवर पुष्प लताओं के चित्र भी भरहूत से अच्छे हैं, भरहूत से अच्छे हैं। सांची के चित्रों में, सांची के चित्रों में डिस्टेंस, डाइमेंशन, डिस्टेंस डायमेंशन और डेप्थ को,
तोला गया है, सांची के चित्रों में डिस्टेंस, डायमेंशन तथा डेप्थ को तोला गया है, तथा शिल्पों में 3D रूप दिया गया है, तथा शिल्पों में 3D रूप दिया गया है। इससे यहाँ के शिल्प दूर से ही सहज ढंग से दिखाई, इससे यहाँ के शिल्प दूर से ही सहज ढंग से दिखाई देते हैं, लेकिन भरहूत में ऐसा नहीं है, लेकिन भरहूत में ऐसा नहीं है, लेकिन भरहूत में ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन भरहूत में ऐसा नहीं है। अतः कहा जा सकता है, अतः कहा जा सकता है कि सांची की मूर्तियां, अतः कहा जा सकता है कि सांची की मूर्तियां भरहूत से अधिक श्रेष्ठ हैं, भरहूत से अधिक श्रेष्ठ हैं। ओके, तो यहाँ पर आज का आप लोगों का लेक्चर फिनिश होता है। अगर आप लोग स्तूप के बारे में थोड़ा सा और अधिक जानना चाहते हैं, तो आप लोग कोई भी रेफरेंस के रूप में, जैसे कि नितिन सिंघानिया बुक हो गई, या फिर कोई भी जैसे कि महेश कुमार बड़वाल की भी आप लोग उठा सकते हैं, और 11th क्लास की NCERT है वहां पर भी आप जाकर के थोड़ा सा देख सकते हैं। तो जहां से भी आप लोग एक रेफरेंस के रूप में कोई भी बुक ले सकते हैं, वहां पर PT के लिए थोड़े से और फैक्ट्स आप लोग देख सकते हैं। ओके, घटना चक्र भी लेंगे तो वहां पर भी इतिहास वाली बुक में थोड़े से फैक्ट्स दिए रखे होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अभी हम लोगों ने बुद्ध कंप्लीट नहीं किया, आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि हम बुद्ध के बारे में पढ़ा रहे थे, ना ना ना, बुद्ध के बारे में नहीं, सिर्फ हम वास्तुकला में स्तूप पढ़े हैं। बुद्ध तो अभी आगे आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में। ओके, उनकी मुद्राओं के बारे में, जो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था, उनकी कौन कौन सी मुद्राएं हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा है, मतलब उन सभी मुद्राओं का मतलब क्या है, किस प्रकार से की जाती हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके जन्म से संबंधित कहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण किया था, कहाँ निर्वाण किया था, वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, ये तो हम अभी वास्तुकला में पढ़ रहे हैं, वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर बुद्ध के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। नहीं, ये बुद्ध के बारे में नहीं था, ये तो बुद्ध के आपको देखने को मिलेगा, स्तूप के बारे में पढ़े थे, तो स्तूपों का समानता संबंध आपको बुद्ध से ही ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर बार बार बुद्ध बुद्ध यहाँ पर बोल लेते, इसलिए जो नए विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए आज के लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ इम्प्रूव कराना है तो वो भी आप लोग बता दीजिए, जैसे कि हम स्लो बोलते हैं तो क्या बोल सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा सर तेज बोलिए, अगर हम तेज बोलते हैं तो बताइएगा, सर हम लिख नहीं पाते हैं, थोड़ा सा स्लो बोला करिए, या फिर और कोई भी आप लोगों की डिमांड हो वो भी आप लोग बता दीजिए, सारी डिमांडें आप लोगों की पूरी की जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय भारत, जय हिंद।